अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हमारा व्लॉगिंग का मूड है और अभी जो ना हम एक दोस्त के पास जा रहे हैं और आपको व्लॉग दिखाते हैं। तो हमारे पास बारिश हुई थी जिसकी वजह से जो है ये हमारी गलियां जो है ना बहुत नाजुक सूरत हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। आप देख सकते हैं मौसम, देखें फिर से वही जो है ना बारिश होने वाली है। अली के घर के पास पहुंच चुके हैं, हमने इसको पहले ही कॉल कर दी थी कि बाहर आ जाए और ये अब तक बाहर नहीं आया है। हम उनका वेट करेंगे। यो मुसावर अली, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे भाई, तबीयत है? तबीयत है, ठीक है, चलते हैं भाई। तो अब हम यहाँ से बैंक चलेंगे, पहले एटीएम लगाएंगे और उसके बाद पेट्रोल लगवाएंगे, फिर चलेंगे। इसकी वजह से हमारा ये हाल हो जाता है। चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम एटीएम लगाने हैं। सबर भाई, और ये आरी बलों का घर है, ये फार्म है, और ये मुसावर भाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, इतने सलाम मत करो। नए मुसलमान हुए। अब उसको लड़का बुलाने के लिए भेजा है, अब जब आए देखते हैं कितने देर लगाएगा। हमने उसे कॉल भी की थी लेकिन अब वो उठा ही नहीं उन्होंने। देखते हैं भैया कितना वेट करना पड़ेगा। तो आई भाई आ चुके हैं, आकर चले जाना है। चले भाई, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई, कैसे हो, खैरियत है? वालेकुम सलाम भाई, फहाल हूं। हम लो जी, वी आर ब्लैक इन द एन अदर व्लॉग। ये मुसव्वर भाई है, ये आरिफ भाई है, ये आलम भाई। पानी शानी आ गया है, ये आरिफ है, ये मुसव्वर है। अभी हमने हलानी जाना है और जो है आलम भाई घूम चुके हैं, वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, इसलिए उनको हमारा वेट करना पड़ेगा। अब हम हलानी जा रहे हैं। खाली है, चाले चाले खाली है हमने, अभी हम निकलते हैं। तो अभी मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, तो आप भी आ जाए, ये चाबी है। तो हम यहाँ उतरे हैं अभी, ठीक है, अभी हम जा रहे हैं। ये आरी फटी है, बोतल वोतल ले ली है, सही तो बोतल शोतल ले ली है। आपको कोई और पसंद है तो हम फिलहाल ये ले रहे हैं, बंद कर दो।
गलियों से जा रहे हैं क्योंकि सामने बहुत सारा पानी खड़ा हुआ था। तो हम जो है ना यहाँ से निकलेंगे और हम हलानी कहेंगे, वहाँ पे मस्जिद है एक धर्मस और जो है एक मंदिर भी है। तो आज आपको इंशाल्लाह उसका विजिट कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है ना जुड़े रहें, आपको जो है ना इंशाल्लाह बहुत इंजॉय होगा, बहुत सी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। भाई आरिफ वालों का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, अब वो पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पे इन्होंने ब्रेक लगाई है। पेट्रोल शेट्रोल डलवा के फिर निकलेंगे हम अपने मंजिल मकसूद के लिए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। मस्जिद है भाई, हम लोग पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस मस्जिद की सबसे जो खास बात है ना वो ये है कि इसके अंदर एक भी गार्डर और टीयर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, आप देख सकते हैं। तो अभी शूज वगैरह उतार लेते हैं। मैं एंटर हो चुका हूँ मस्जिद में, आप देखें माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। ये भाई लोग अभी उतार रहे हैं। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना पहले बहुत बड़ा जो है एक अमरूद का बाग होता था, वो पूरे भाई भाई के जो है ना इलम में बातें हैं। तो भी आप देख सकते हैं, आप इसके अंदर देखें, ऊपर देखें तो इधर एक भी सबसे आगे का इनके सतूनों के अंदर इनके अंदर इस्तेमाल नहीं किया हुआ किसी। मस्जिद का नाम है मेहराब जी मस्जिद हलानी। तो जनाब गुलाम मुस्तफा खान जी, तो ये मेहराब जी मस्जिद हलानी है, ठीक है। और आपको जो है हम अंदर दिखाते हैं। इसकी खास बात जो है ना ये बहुत कदीमी मस्जिद है, ठीक है। आपको बाहर में दिखाता हूँ कि कितनी पुरानी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये इसके दो सुराख हैं, यहाँ से जो है ना ईद उल फितर का चांद नज़र आता है, से जो है ना ईद उल जुहा का। बनाई हुई कदीम मस्जिद है, तो अब बड़ों को पता है वो कैसे जो है ना देखते थे चांद वगैरह यहाँ पे। बहुत तारीखी मस्जिद है। तो हम अभी आपको जो है इसकी डिटेल वहाँ लिखी हुई है, वो सिंधी मुझे थोड़ी सी कम आती है, आप देख लें ये बनी हुई है, ठीक है। तो अभी हमने जो है व्लॉग शूट कर लिया, अब यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स वगैरह लेंगे, ठीक है। और जो है ना मुसव्वर भाई हमारे शूट करेंगे, क्योंकि हमारे जो है ना बेहतरीन किस्म के फ़ोटोग्राफ़र वो मुसव्वर भाई हैं। एडिटिंग भी इन्हें बेहतरीन किस्म की आती है, और जो है ना पिक्चर्स तो क्या ही बात है, कमाल पिक्चर्स लेते हैं। तो अभी हम जो है ना यहाँ से वापस चल रहे हैं और आपको मंदिर दिखाते हैं, ठीक है। सामने मंदिर है, अभी आप व्यूज देख लें कैसे प्यारे व्यूज है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। अली रजा जो है हमारे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो हमारे साथ कराची भी थे और फिर जो है ना लाहौर भी थे। तो अभी हम उनके घर जा रहे हैं, मतलब कि बाहर आएंगे वो। यहाँ पर उसका घर है। और
अली रजा ब्रो और सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो, खेले थे तुमने, ठीक है। अली रजा हमें जो ना बेकरी लेकर आए हैं, तो हम प्रमोशन कर देंगे अली रजा को, हमने जो है ना नोटिस कर दिया है कि हमें थोड़ी देर हो रही थी इस वजह से, अब तो जो है ना वो कल या परसों हमारे पास आएगा, ठीक है, फिर जो है ना मुलाकात कर लेंगे। बहकी सभी जुबां है, हम है हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा। हलानी से वापस बलानी आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अभी आलमगीर हमारा एक दोस्त है जिसे हम आलम कहते हैं, तो उसके पास जा रहे हैं, वो नहर पर था पहले, तो इसलिए हमसे मुलाकात नहीं कर पाया, तो अब जो है शायद घर पे आ गया हो, इससे हम कांटेक्ट करते हैं और फिर जो है ना उससे भी मुलाकात करते हैं। हर जगह पे मजलिस चल रही है, तो यहाँ पे पानी भी है आगे रोड पर, आरिफ ने गलत रास्ता चूज कर लिया है, तो लेकिन देखते हैं, पानी है यहाँ पर काफी। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। गाइस ये हम नहर पर आ गए हैं, जहाँ पर हमें आलमगीर का मालूम हुआ था कि यहाँ पर है, ठीक है, कांटेक्ट उससे किया था लेकिन कांटेक्ट हुआ नहीं। आगे तो पानी भी खड़ा है, तो ये क्लिप मुझे बंद करनी पड़ेगी। ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू पॉसिबल है, निकल सकते हम वैसे। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, आलम यहाँ पे नजर तो नहीं आ रहा है, देखते हैं आरिफ भाई क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अब हम 14 Pro Max में शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारे फोन की चार्जिंग जो है ना कम हो चुकी है, बिल्कुल ही बंद होने वाला है, तो आपको ये दिखाते हैं व्यू यहाँ पर, आप देखें आलम हमें यहाँ पर मिला नहीं है, ठीक है, तो अब हम कहाँ से उतरे, यहीं से चलते हैं, गिर जाऊँगा शायद मैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। दिखा दे, दिखाने से क्यों है, परेशान क्यों है, नहीं तू किस दी मूवी बना लग गया, अरे लेकिन परेशान हो रहे, आप दिखा देना क्या कुछ पकड़ा है YouTube, YouTube जाने ना, नहीं पकड़ा अभी तक, अरे फड़िया ने मच्छियां डर रहे, ये उठाओ तो सही, जरा रुमाल तो उठाओ अपना, हेलो ये भी खाली है, अरे यहां पर ना कुछ भी नहीं पकड़ा, नहीं नहीं पीछे ही है, पीछे ही है, नसीहतें हो रही है, मैं क्या पीछे ही खड़ा है, चले हम उन अंकल से पूछ कर आते हैं उन्होंने क्या कुछ पकड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, चाचा क्या कुछ पकड़ा है दिखा दो जरा, छोटी है बड़ी नहीं है, देख लीजिए भाई ये देखिए जी, कुछ मच्छियां पकड़ी हैं, ये खग्गा है, सिंगारी है, सिंगारी है, ये सिंगारी है, सिंगारी है, खग्गा छोटा है, क्या हुआ भाई, मना मारे ये देखिए आप,
आरिफ भाई को बिल्कुल डर नहीं लगता इन चीजों से, क्योंकि आरिफ ने बहुत बड़े बड़े पकड़े मछलियां। कितना प्यारा सुकून दे माहौल है यहाँ पर। तो गाइज यहाँ हम अपने व्लॉग को एंड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फोन तो डेड हो चुका है और जो है ना आरिफ का फोन है, आरिफ बैलान जाता है, हम वापस घर पे जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दें, लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।